हाँ हाँ जी साहब नमस्कार। हाँ जी, राज चोपड़ा बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक सर? वो समर घर से भाग गया, आपका मुजरिम भाग गया। कहाँ भाग गया ये? पता नहीं, ताला वाला लगा के आ गया ये घर पे। 10 दिन की जमानत मिली है उसे। नहीं, कैसे दे दी ये पूछ रही हूँ ना। इसने, इसके वकील ने कुछ तिगड़मबाजी लगाई है, पेपर्स लगा दिए होंगे ना यार, साबित करने के लिए। और मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बोलेगा मैं वो फॉलो करूंगा। हां बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार गैस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास है। मैंने सुना है कि राजकुमार को जमानत मिल गई है, वो अपने घर आ गया। अपने तो जमानत मिली है ना। हाँ, तो अपने असली ससुराल से अपने घर आ गया हो। पर अब एक बात नहीं मुझे समझ आ रही, इतना बड़ा उसने फ्रॉड किया, उसको मिल कैसे गई जमानत यार? सही बात है, उसने कुछ ना कुछ खिलाया होगा, पक्की बात है। खिलाने को उनके पास है ही क्या? ओ कहीं ना कहीं तिगड़म तो लगाया ही होगा उसने। ऐसे तिगड़मबाजी दो दो रख के बैठा हुआ है। चला देखते हैं कहाँ है ये राजकुमार। यहाँ से ही भग गया हो। ये ले, ताला लगा दिया। कहाँ भाग गया ये? भग गया होगा, 10 दिन के लिए तो आया ही था। अब बता, अपने घर पे भी टिक सकता है ये? गया होगा घूमने, 10 दिन की मोहलत तो मिली ही थी। चला इसको इंस्पेक्टर को बताई जाए, ये बात तो जरूरी है। बिल्कुल, फोन करूँ इसको? हाँ बताओ ना। करोगे रहने दो? नहीं, कर दो आप। क्यों नहीं करोगे? बिजी चल रहा फोन, कोई नहीं लग जाएगा अभी। हाँ 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 जी साहब नमस्कार। हाँ जी, राज चोपड़ा बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? सर वो समर घर से भाग गया। आप आ रहे हैं क्या? हाँ आइए आइए, मैं वहीं पे ही हूँ, उसी घर पे हूँ, छत पे हूँ उसकी। आइए, आ रहे हैं। अपने लिए काम खराब कर रहा है ये। अरे क्या काम खराब कर रहा है? हाँ सही बात है तेरी। क्या काम खराब कर रहा है? हाँ उसको आदत पड़ गई अब तो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और क्या, अब तो ये तो नहीं गएगा। नहीं, अब तो पुलिस वाला भी चेंज, अब तो ये तो ये नहीं गएगा। तुमने पैसे खिला दिए। हाँ, अब तो ये भी नहीं बोल सकता ये कि हमने कुछ खिला दिया होगा इसको। हम खिलाते होते तो 10 दिन की वो भी नहीं मिलती। पर ये बाहर कैसे आ गया ये? पता नहीं, कानून का वो कहते ना, कानून अंधा होता है। हाँ, मुझे तो ये चीज लग रही है। इसके पैसे आए कहाँ से? अरे पैसा छोड़ो ना तुम यार पापा। अरे फिर भी यार, ये इसके वांदे हो रखे हैं। वहाँ पे पैसे पड़े थे कबड़ में, तब तो जा नहीं रही थी। हाँ बात तो तेरी सही है। जमानत कराने, पता नहीं किसने करा दी। चल इंस्पेक्टर भी आने वाला होगा, अब देखते हैं। देखो क्या बोलोगे। A few moments later। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बस आपका आपका मुजरिम भाग गया। कहाँ भाग गया ये? पता नहीं, ताला वाला लगा के आ गया ये घर पे। 10 दिन की जमानत मिली है उसे। नहीं, कैसे दे दी ये पूछ रही हूँ ना। उसने पता नहीं कहाँ कौन सी तिगड़म लगाई है जिसमें उसे छूटना नहीं चाहिए था। अब उसने पता नहीं क्या करा है, क्या नहीं करा है, उसको कोई पता नहीं चल रहा है। बताइए आप। और आपने जब उसको बोला होगा, जरूर बोला होगा, ये तो कानून के दायरे में, तो अपने घर से ही आई, आस पास से बाहर मत जाइए, कोई ना कोई घर पे मिलना चाहिए। रूल्स फॉलो करने के लिए बोले मैंने उसे, जितने भी रूल्स कानून मैंने उसे बताए थे कि ऐसे ही करना है तेरे को, घर पे रहना है। लेकिन इनने कानून का पूरा उल्लंघन करा है। अब है नहीं देखो घर पे, हम तो आगे वैसे ही अचानक से, मैं क्या देखे तो सही, अगला अपने ससुराल से आया, क्या लग रहा है, क्या शक्ल लेके आया, पर देखा तो नवाब तो है ही नहीं यहाँ पे, भाग गया। कोई बात नहीं, ढूंढता हूँ मैं उसे जल्द से। हाँ देखो, मेरा फर्ज था, एक नागरिक का फर्ज है। जी जी जी, हाँ हाँ, आपका तो लगेगा, आपका तो फोन उठाएगा। नहीं, आप ऑफिस जाके कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर फोन करता हूँ और अपने साथ ठीक रहेगा उसको लगाता हूँ। हाँ लगाओ जी लगाओ, इसकी कार्रवाई करो इसकी। ये तो भगोड़ा, मैं छोड़ूंगा, अंदर जाएगा भी। ये तो भगोड़ा है, मैंने इसे थोड़ी मोहलत दिलवाई थी। कैसे दिया? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ ना। इसने, इसके वकील ने कुछ तिगड़मबाजी लगाई है, पेपर्स लगा दिए होंगे ना यार, साबित करने के लिए। और मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बोलेगा मैं वो फॉलो करूंगा। हां बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं तो बस इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। अब जो उसने कानून में लिखवाया है, जो उनने वकील ने जो करवाया, पेश किया है, हां सही बात, पेश क्या करा है, और जज के ऊपर डिपेंड है ना बेटा। अब इंस्पेक्टर साहब क्या कर सकते हैं? मेरा काम तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है, मैं थाने में ले जाऊंगा, उसका काम वहाँ पर है। हाँ सही बात, हवालात में डालने का काम है और मेरे इन्वेस्टिगेशन करने का काम है। हाँ सही बात है, कानून मेरे से बोलेगा मैं वही करूँगा। वही करना पड़ेगा आपको तो। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं साहब, देखो हमारा फर्ज था नागरिक होने के मुताबिक, तो मैं आपको फोन कर देता हूँ। हम तो अचानक से ही आ गए, आना नहीं था, पर चल मैं चल घुमाते। कोई नहीं, जो आपके साथ गलत हुआ है या उसका जो भी है, आपके सामने आपने फाइल तो पड़ी होगी, मेरी बिटिया का क्या क्या चल रहा है
जी जी चलो बाकी यही था। ठीक है मैं ढूंढता हूँ उसे। ठीक है धन्यवाद। नमस्कार। अभी साहब तो गए और इसके तो पक्ष में नहीं है लड़के के। 10 दिन के लिए भी आया। हाँ आया कैसे तू ये शौक है ना। क्या बोलूँ। बोलना क्या है शातिर आदमी है बेटा वो। और तुझे पता है ना ये तिगड़म लगाने वाले होते हैं। ऑफिसर को भी तो देखो ना यार क्या मतलब तुम वो आदमी क्या कर रहा है और तुम लोग उसको 10 दिन का मोहलत दे रहे हो। अब वो क्या कर रहे हो किस चीज की मोहलत दे रहे हो यार। उसने पेशी लगाई होगी अपना वकील करके जज साहब के सामने। अब कोई ना कोई इसने ऐसा बताया होगा कि मेरे को ये परेशानी है ये है वो है वो है बाहर कोई बात नहीं दोबारा अंदर भेज देंगे। हाँ वो तो जाएगा जाएगा हम नहीं भेजेंगे तो पुलिस ले जाएगी इसको पकड़ के। क्यों नहीं लेके जाएगी। चल चलते हैं कोई दिक्कत नहीं टेंशन नहीं ले हमारा जो काम था हमने कर दिया। चला शक्ल देखनी थी मैं क्या नहीं मैंने शक्ल देखनी थी मैं क्या आया ससुराल से अपने कैसा लग रहा देखूं तो सही जरा।